हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोग्राफ के बारे में देख लिया था, होप आपको समझ में आ गया होगा। आज अपन उससे आगे वाली कथा स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली कथा नहीं सुनी है तो आप प्लीज़ उसको सुने पहले जाके, नहीं तो आज वाला समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाली वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखी तो, ठीक है, क्योंकि बेसिक हाइड्रोग्राफ उसमें ही था। अभी हम आगे वाला सीन करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ, ठीक है। दो तीन बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईएन एएन के एग्जाम में पूछे हुए हैं यहाँ से, तो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हाइड्रोग्राफ को, देखो हाइड्रोग्राफ को फैक्टर अफेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास ये एक कोई हाइड्रोग्राफ है दिस टाइप, क्लियर। अब होता क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसकी सेप को अफेक्ट करते हैं। हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करना, दैट मीन्स इसकी सेप को अफेक्ट करना, मतलब कईयों में हाइड्रोग्राफ ऐसा हो जाएगा, कईयों में ऐसा हो जाएगा, तो इसकी सेप को ये अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर। तो उन फैक्टर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो फैक्टर है दैट इज एरिया ऑफ कैचमेंट। तो पहला फैक्टर डालें आप एरिया ऑफ कैचमेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एरिया जो होता है कैचमेंट का, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हाइड्रोग्राफ की शेप पे, ठीक है। और इस चीज़ को अपन दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है स्मॉल एरिया, ठीक है, और दूसरा होता है लार्ज एरिया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया के जो इफेक्ट हैं, दोनों के बहुत बड़ी साइज के इफेक्ट हैं, अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जेईएन के लिए वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवा रहा हूँ पूरा, उस चीज की आप प्रॉब्लम मत लो, क्लियर। देखो इसको कैटेगराइज करके छोड़ देते हैं अपन, अपन देखते हैं बेसिकली, ठीक है, बेसिक या नॉर्मल लेवल पे एरिया क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो एरिया जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मेरा जो हाइड्रोग्राफ है उसका पीक भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इनके बीच का जो रिलेशन रहता है वो रहता है मेरा क्यू पी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया की पावर एन, ठीक है। इसका मतलब एन की जो वैल्यू है यहाँ पे वो रहती है 0.5, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वजह से मेरे पास क्यूपी की जो वैल्यू आ गई वो प्रोपोर्शनल हो गई अंडर रूट ए के, यही बात हुई इसकी, मतलब तो यही हुआ, ठीक है। इसका मतलब एरिया जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा, मेरा पीक उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ में तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जैसे मेरे पास ये रिवर निकल रही है, इसका ये कैचमेंट एरिया है, अब जितना बड़ा मेरे पास कैचमेंट एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इसमें पानी आएगा, उतना ही ज़्यादा इसका पीक बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे बताई है, इसको बना लें। फिर दूसरा फैक्टर देखते हैं, ठीक है। बेसिक तरीका ये होता है, बेसिकली जो एरिया अफेक्ट करता है इस तरीके से करता है, ठीक है। इसको डीप में जाते हैं तो और भी इसमें पॉइंट आते हैं, लेकिन वो अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उनको नहीं बता रहा, ये बना लें। सेकंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है मेरा वो होता है शेप ऑफ कैचमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो मेरा फैक्टर है दैट इज शेप ऑफ कैचमेंट। अब देखो यहां पे कैचमेंट जो होते हैं वो मेनली दो टाइप की शेप के होते हैं, एक तो होते हैं मेरे पास सर्कुलर और दूसरे होते हैं फर्न टाइप। तो एक तो है मेरे पास सर्कुलर टाइप और दूसरे होते हैं फर्न टाइप। फर्न मतलब लाइक पेड़ का पत्ता, ठीक है, इस टाइप का। देखते हैं अपन दोनों की शेप देखते हैं। तो सर्कुलर अगर मैं शेप बनाना चाहूं तो सर्कुलर शेप या सर्कुलर कैचमेंट तो बनेगा मेरे पास कुछ इस टाइप का। ये लो जी मेरे पास सर्कुलर कैचमेंट बन गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा बनाते हैं। ये मेरे पास एक सर्कुलर कैचमेंट बन चुका है इस टाइप का, क्लियर। फर्न टाइप को भी मैं दो टाइप से डिवाइड कर सकता हूं, मेरे पास एक फर्न टाइप तो बनेगा इस टाइप से मेरा पत्ता रखा हुआ हो सकता है, और दूसरा इस टाइप से रखा हुआ हो, ठीक है। आउटलेट इनके एक पर्टिकुलर साइड में निकले हुए हैं, मतलब इधर मैंने मान लिया इसका आउटलेट है, इधर इसका आउटलेट है, और इधर इसका इस साइड में आउटलेट है। तो तीनों की तीनों शेप अपने पास अलग हो गई। यहां से मेरे पास कोई रिवर निकल रही है, ये मेरी मेजर रिवर है, ठीक है, ये जो आपको ब्लैक में दिख रही है ये है अपनी मेजर रिवर, और इस मेजर रिवर में छोटी छोटी स्ट्रीम, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज आके मिल रही हैं। ऑब्वियसली ऐसी बात होती है कैचमेंट में, देखा होगा आपने कैचमेंट, छोटी छोटी नदियां आके क्या करती हैं, एक बड़ी नदी बनाती हैं,
तो इस टाइप से वो क्या है, मेरी सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज मिलती हैं। ये है इसका आउटलेट, इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी टाइप से फर्न टाइप में जो मेरी पहली वाली शेप है उसमें जो मेजर रिवर है बीच वाली जो मेन स्ट्रीम है अपनी वो ये रही, और इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां हैं आप देख सकते हैं इस टाइप से, एक ये रही, दूसरी, तीसरी, ये फोर्थ, ये रही, ये रही, इसी टाइप से इस साइड से आगे मिल रही हैं। ये लो जी, मैंने यहाँ पे छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी बना दी, क्लियर। इसी टाइप से थर्ड वाली जो शेप है मेरी, इसकी जो मेजर रिवर है, मेजर स्ट्रीम है, वो ब्लैक कलर में है, ये रही आपके पास, और इसमें कुछ छोटी छोटी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये लो जी, मैंने इधर बना दी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, मैं जो बताना चाहता हूँ आपको ध्यान से समझना उस चीज़ को। ये जो मेरे पास शेप है इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास टी बराबर जीरो मतलब स्टार्ट हुई बारिश, ठीक है, बारिश स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या होगा इस पूरे की पूरे कैचमेंट में, आप ये समझिए बारिश होने स्टार्ट हो गई, ठीक है, पूरे के पूरे कैचमेंट में जब बारिश होना स्टार्ट होगी तो ये जो मेरे पास छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, इनसे होते हुए पानी इस मेजर रिवर में आएगा, ठीक है, क्लियर, मेजर रिवर में आएगा तो मेजर रिवर में फ्लो आने लगेगा, अपने को पीक मिलेगा एक टाइम पे, क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो इक्वली डिवाइडेड है पूरे एरिया में, मतलब इसमें क्या होगा पानी एकदम सही टाइम पे आ जाएगा मेरे पास, मतलब जो मेरी सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो मेन टाइप पे मिल रही हैं इस पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोग्राफ बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आएगा, ये लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा कोरोना की वजह से जन जागृति कार्यक्रम चला रखे हैं सरकार ने, तो उसका अनाउंसमेंट हो रहा है, तो आप भी घर से ना ही निकलें क्योंकि कोरोना बहुत खतरनाक रूप ले चुका है अभी, तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि घर पे पड़े रहें, वीडियो देखें आराम से। तो इसका जो मेरे पास हाइड्रोग्राफ बनेगा कुछ इस शेप का बनेगा, और इसका जो पीक आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, जस्ट मिडिल में आ जाएगा। तो अगर इसका बेस पीरियड है मेरे पास टीबी, ठीक है, ये हाइड्रोग्राफ इधर तक जा रहा है, और जो इसके पीक तक पहुंचने का टाइम है उसे लिख रहा हूं मैं टी पी के, ठीक है, मैं लिख सकता हूं आराम से, इधर मेरे पास डिस्चार्ज चल रहा है, इधर मेरे पास टाइम चल रहा है, तो ये जो टी बी है ये तो बेस टाइम होता है जहां तक पूरा हाइड्रोग्राफ चलता है, और टी पी के मेरे पास वो टाइम है जब हाइड्रोग्राफ का पीक मुझे मिलता है, ये मेरे पास पीक है, दैट इज क्यू पी, क्लियर है। तो इस केस में जो होता है मेरे पास टी पी के की जो वैल्यू होती है वो नियरली अबाउट इक्वल टू टी बी बाय टू होती है, क्लियर। अब देखें यहाँ पे दूसरा केस क्या है मेरे पास फर्न टाइप कैचमेंट का है। अब इस फर्न टाइप कैचमेंट में आप देखें तो ऐसा मैंने माना कि इस पूरे ही पूरे कैचमेंट में एक साथ बारिश होना स्टार्ट हो गई। अब मैक्सिमम एरिया जो है इस कैचमेंट का वो क्या है, बैक साइड में है, आप देख सकते हो आराम से, इसका जो मेजर एरिया है वो किस साइड में, बैक साइड में। अब बारिश स्टार्ट हुई, आउटलेट मेरा यहाँ पे है, ये रहा मेरा आउटलेट, मैं पानी का जो मेजरमेंट है कहाँ पे कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेजर एरिया है वो बैक साइड में है, अगर बैक साइड में है मतलब इस आउटलेट से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे है, अब ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो यहाँ का पानी क्या होगा, लेट आएगा, और चूंकि मेजर एरिया ये है इधर का फ्लो ज़्यादा है तो जब इधर का फ्लो मेजर रिवर में आके मिलेगा तभी मुझे पीक मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, समझ में आई, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा, यहाँ का पानी ज़्यादा, यहाँ का ज़्यादा पानी जब आउटलेट पे आएगा तब इसका पीक आएगा, और चूंकि ये मेरा मेजर एरिया बड़ा एरिया पीछे है तो पीछे होने की वजह से लेट आएगा, उसी वजह से ये जो मेरे पास स्ट्रीम है इसका पीक मुझे लेट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोग्राफ बनाऊं तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आने वाला है, ये देखिए इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का क्यों आया, क्योंकि मेरे पास जो मेजर एरिया है पानी का वो लेट आ रहा है तो इसका जो पीक है मुझे काफी समय बाद मिला, तो इसको मैं बोल सकता हूं क्यू पी, इसका पीक, और यहां पे मैं इसको बता सकता हूं कि भाई टोटल हाइड्रोग्राफ का टाइम हो गया टीबी मेरे पास और ये हो गया टी पी के, ये पीक तक पहुंचने का टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास टी पी के की जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन टी बी बाय टू होगी, मतलब हाफ बेस टाइम से ज़्यादा वैल्यू होगी। ये सेम एज अपन देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में, भाई सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आपको, आशा करते हैं ऐसी हम। ये मेरे पास थर्ड टाइप की शेप है, यहाँ पे मेरा आउटलेट है, ये दिख रहा है आपको, ये आउटलेट है आपको दिख रहा होगा।
अब यहाँ पे आउटलेट पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं पूरे कैचमेंट में एक साथ बरसात स्टार्ट हुई, पूरे कैचमेंट में जो मेजर एरिया है वो क्या है, आगे साइड में है, आगे साइड में है, तो इस पूरे एरिया का जो पानी है एक साथ जल्दी पहुंच जाएगा आउटलेट पे, और जल्दी आउटलेट पे पहुंच जाएगा तो उसका पीक जो है मुझे जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरे पास कुछ इस शेप का आने वाला है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ बनाऊंगा, मेजर पानी जो है इसका पहले पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया, क्योंकि पास में पानी है, जल्दी पहुंच गया, तो पीक इसका जो आएगा वो पहले आ जाएगा, तो इस टाइप का मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोग्राफ बनेगा, ठीक है। ये रहा इसका पीक क्यूपी, इसका टोटल बेस टाइम टीबी, और ये इसका पीक तक का टाइम दैट इज टी पी के। तो अगर यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो टी पी के की जो वैल्यू है वो टी बी बाय टू से क्या होगी, मेरे पास कम होगी। समझ में आ गई, ये मैंने आपको जनरली बताया है कि जो कैचमेंट की शेप होती है वो हाइड्रोग्राफ को कैसे अफेक्ट करती है, इस टाइप से अफेक्ट करती है। समझ में आ गई बात। जस्ट मिडिल में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जस्ट मिडिल में किस केस में मिलेगा, सर्कुलर केस में, ठीक। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ऐसा केस है मेरे पास तो पीक मेरा डिले होगा या अर्ली आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मेरा जो पीक है बाद में मिल रहा है, दैट मीन्स पीक जो हो रहा है मेरा डिले हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि आप में इस टाइप का मेरे पास एक पर्टिकुलर कैचमेंट है, तो इस टाइप के कैचमेंट के लिए मेरा पीक डिले होगा, अर्ली आएगा या कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कैचमेंट में पीक जो है वो डिले पे आएगा, ठीक है। तो ये बना लें आप, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं कई बार, इस वजह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। ये बना लें हाइड्रोग्राफ का एक लेसन और बनने वाला है अपने पास, जिसमें अपन यूनिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोग्राफ के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल के नीचे या वीडियो के नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई होती है। अब देखें यहाँ पे जो मेरे पास शेप का इफेक्ट आ रहा है वो दो फैक्टर से और दिखाया जाता है, दो फैक्टर से और बताया जाता है, उनको पढ़ते हैं, ठीक। तो पहला फैक्टर होता है मेरे पास फॉर्म फैक्टर, हेडिंग डालें फॉर्म फैक्टर। देखें मेरे पास ये कोई एक पर्टिकुलर कैचमेंट है और ये जो है मेरी इसमें से मेजर रिवर निकल रही है, ठीक है। इस कैचमेंट का एरिया मैंने मान लिया लेट सपोज ए, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अब यहाँ पे जो मेरे पास मेन रिवर निकल रही है उसकी कुछ लेंथ होगी जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ, दैट ये मेरे पास आ गई लेट सपोज L, स्मॉल L, और इसकी जो विड्थ है उसको मैं बोल देता हूँ B। अब एक बात ध्यान से देखें आप, एक बात खुद भी समझें कि जो मेजर रिवर है मेरी उसकी लेंथ मैं काउंट कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स मैं कैचमेंट की लेंथ काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। नदी के किनारे किनारे चल के मैं नदी की लंबाई नाप लूंगा, कैचमेंट की लंबाई आ जाएगी नियर अबाउट, लेकिन जो विड्थ होती है कैचमेंट की वो हर जगह अलग अलग होती है, तो विड्थ को मैं मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ तो मुझे पता है, मैंने मेजर कर ली जो है मेरे पास स्मॉल एल, लेकिन विड्थ को मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन एरिया मेजर कर सकता हूँ मैं मैप की हेल्प से। ये बात आपको पता है, मैप होता है मेरे पास किसी भी कैचमेंट का, तो उस मैप पे मैं प्लेनीमीटर की हेल्प से एरिया मेजर कर सकता हूँ, तो मेरे पास एरिया पता है इसका, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई इसका एरिया जो है मेरे पास ए है, ठीक है। तो विड्थ होगी इसकी यहाँ पे मेरे पास ए बाई एल, कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में, ये चीज़ें मेरे पास बेसिक सी थी। बात आती है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इतनी रामायण बताने का मतलब क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है ये बताओ। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है किसी भी कैचमेंट के लिए उसकी एक्सियल लेंथ बाय विड्थ का रेशियो। समझ में आई बात, एक्सियल लेंथ टू विड्थ का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर किसी भी कैचमेंट के लिए। तो अगर मैं किसी भी कैचमेंट के लिए फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास हो जाएगा एक्सियल लेंथ डिवाइड बाय विड्थ ऑफ कैचमेंट,
ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर को मैं इस एफ एफ लिख दूँ शॉर्ट टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सियल लेंथ है अपने पास स्मॉल एल, ठीक है, और विड्थ है अपने पास कैपिटल वी, ठीक है। स्मॉल सॉरी विड्थ के लिए अपन ने निकाल लिया ए बाय एल फॉर्मूला, ठीक है। एक्सियल लेंथ आपको पता है स्मॉल एल है, विड्थ कितनी है इसकी ए बाय एल है, तो ये लो जी, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं फॉर्म फैक्टर लिखना चाहूँ इसका, तो ये हो जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर बाय ए, एक बार ऑब्जेक्टिव इसके लिए पूछा हुआ है, इस फॉर्मूले को पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, बना लें इसको। तो फॉर्म फैक्टर होता है हमारा, फॉर्म फैक्टर जो होता है अपना वो होता है किसी भी कैचमेंट के लिए, अगर मैं फॉर्म फैक्टर बताऊं तो फॉर्म फैक्टर होता है उसका एवरेज विड्थ बाय एक्सियल लेंथ का रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी कैचमेंट के लिए फॉर्म फैक्टर लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा एवरेज विड्थ बाय एक्सियल लेंथ, ठीक है। सिंपल सी बात है, एवरेज विड्थ आपको बी पता है कितनी है ए बाय एल है, तो फॉर्म फैक्टर में मैं लिख सकता हूँ कितनी हो जाएगी ए बाय एल हो जाएगी, और एक्सियल लेंथ इसकी कितनी है स्मॉल एल है, तो ये लो मैंने यहाँ पे स्मॉल एल लिख दिया। तो फॉर्म फैक्टर मेरे पास स्मॉल एफ एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ कितना हो जाएगा ए बाय एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक बार ऑब्जेक्टिव में किसी जेईएन के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, एल टू नहीं है ये एल स्क्वायर है, ठीक है, बना लें इसको। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास फैक्टर होता है वो होता है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। ये जो फैक्टर होते हैं ये कैचमेंट की सेप बताने के लिए यूज में लिए जाते हैं, वापस बता रहा हूं, जो अपन ने अभी फॉर्म फैक्टर पढ़ा और दूसरा जो है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, ये दोनों फैक्टर जो हैं वो कैचमेंट की सेप को बताने के लिए शो किए जाते हैं, बताए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मेरे पास कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, देखिए जी कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है। एक बार अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ये कोई एक कैचमेंट हो है, ठीक है। अब कैचमेंट की शेप अच्छी खासी तो होती नहीं, उबड़ खाबड़ सी होती है, क्लियर है। इसका जो एरिया है मेरे पास मैंने मान लिया जी ए है, कैपिटल ए है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास एरिया है इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, वही बात है प्लेनीमीटर की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर लूंगा। अब क्या करूंगा, इस एरिया के बराबर का एरिया का एक सर्कल लेता हूँ, ले सकता हूँ। तो इस एरिया के बराबर एरिया का एक सर्किल लिया मैंने, ये लिया, ले सकता हूँ जी, ये ले लिया, क्लियर। अब मेरे पास इस सर्किल का एरिया भी पता है, ऑब्वियस सी बात है पता ही है, जब मेरे को पता है ना इसके बराबर लिया है तो एरिया पता है इसका। जब इस सर्कल का मेरे को एरिया पता है तो मैं इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये मेरे पास जीरो, ये मेरे पास आर, क्योंकि एरिया होता है मेरे पास कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास ए बाय पाई का अंडर रूट, यही हो जाएगी ना, सिंपल सी मैथ है। अब यहां पे देखें, ये है मेरे पास कैचमेंट और ये है मेरे पास सर्कल ऑफ सेम एरिया, सॉरी। देखें यहां पे ये चीज हो गई मेरे पास, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए कॉम्पैक्टनेस फैक्टर क्या होता है, बात आती है कि भाई कॉम्पैक्टनेस फैक्टर क्या होता है, तो किसी भी कैचमेंट के लिए ध्यान से सुनना, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है मैं बताने वाला हूं। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी कैचमेंट के लिए उस कैचमेंट का पेरीमीटर, तो इस कैचमेंट का पेरीमीटर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेट सपोज पी है, उस कैचमेंट के पेरीमीटर को अगर मैं सेम एरिया के सर्कल के सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट आ जाएगा। देखो फॉर्मूला लिखता हूं जब आपके समझ में आएगा, तो कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट जो होता है मेरा ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ कैचमेंट डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस
सरकमफेरेंस परिधि को बोलते हैं ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हैविंग सेम एरिया। बात समझ में आई? कॉम्पैक्टनेस फैक्टर क्या होता है, लैंग्वेज अगर इसकी लिखना चाहे तो सेम ही होती है इसमें, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ कैचमेंट, जो भी कैचमेंट है उसका पेरीमीटर को किससे डिवाइड कर दूंगा, जो भी मैंने सर्कल बनाया था सेम एरिया का उसके सर्कमफेरेंस से। बात समझ में आई? तो पेरीमीटर मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया, दैट सपोज मेरे पास ये आया पी, ठीक है, मैंने इसका एरिया निकाला था, सेम एरिया का सर्कल लिया था, ठीक है। तो मुझे ओनली कौन सी डिटेल पता है, मुझे ओनली ए के बारे में पता है, मेरे को ओनली ए की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप, इस पर्टिकुलर जो मेरे पास सर्कल है इसकी सर्कमफेरेंस या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, यही होता है, ठीक है। मुझे r की वैल्यू नहीं पता, मुझे ओनली a की वैल्यू पता है, तो r को मैं a की टर्म में यहाँ पे पुट करूंगा, तो मेरे पास कॉम्पैक्टनेस फैक्टर कितना हो जाएगा, p बाय 2π अंडर रूट a बाय पी, सॉरी a बाय पाई। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला होता है अपने पास कॉम्पैक्टनेस कोफिशियंट का, बना ले इसको। अब एक क्वेश्चन यहां से देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से देखें। अगर मेरे पास पूछा जाता है, अगर मेरे पास कैचमेंट सर्कुलर है, ध्यान से देखें, अगर मेरे पास इन केस ऑफ सर्कुलर कैचमेंट, अगर मेरे पास जो कैचमेंट है वो सर्कुलर है, तो मेरे पास जो कॉम्पैक्टनेस फैक्टर की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो इस केस में मेरे पास जो कॉम्पैक्टनेस फैक्टर होगा या कोफिशियंट बोल सकते हैं, वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास कैचमेंट कैसा है, सर्कुलर है, इसका एरिया निकाल लिया मैंने, और दूसरा जो अज्यूम किया वो भी सर्कुलर है, तो उसका एरिया भी निकाल लिया, दोनों का एरिया सेम। तो इसकी पेरीफेरी और इसकी पेरीफेरी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो पेरीफेरी से पेरीफेरी डिवाइड किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, रेशियो जो आएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि और कोई क्वेश्चन पटकेगा तो ऑब्वियस ही बात है आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पर कर नहीं सकते क्योंकि J.En का एग्जाम है, अपने को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन वो देगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन देगा जो फिक्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, यही क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं इस टॉपिक से, क्लियर है, बना लें। बना लिया, ये अपना हो चुका है हाइड्रोग्राफ के फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल। अब अपन चालू करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, और यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन जो पूछा है ना वो भी हद का सिंपल है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है। तो हेडिंग डालें यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्लियर। देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पुराने वीडियो में पढ़ा था डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में, ठीक है। तो मैं एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाता हूं यहां पे, ये मेरे पास क्या है, एक कोई डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है जिसका रेनफॉल ड्यूरेशन है मेरे पास डी आवर, हो सकता है, ठीक है। और ये जो वाली चीज है ये किसको बताती है, ये बताती है अपनी एक्सेस रेनफॉल डेप्थ को, बताती है, ऑब्वियस ही बात है। तो डायरेक्ट रेन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए जो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ है वो कितनी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4-5 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए बात हो रही है। ये क्या है मेरे पास, एक डी आवर का DRH है, DRH मींस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। बात आती है भाई साहब की यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, तो ध्यान से सुने, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ एक तरीके का DRH ही होता है, मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही होता है, लेकिन उसकी जो एक्सेस रन ऑफ डेप्थ होती है वो कितनी होती है, यूनिट होती है, मतलब 1 होती है, ठीक। यहाँ पे जो मेरे पास डेप्थ है वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के केस में जो मेरे पास एक्सेस रेनफॉल डेप्थ होने वाली है वो कितने होने वाली है, ओनली 1 होने वाली है, यूनिट होने वाली है। तो इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ
हैविंग यूनिट रन ऑफ डेप्थ। इसको अपन रन ऑफ डेप्थ भी बोल देते हैं, एक्सेस रेनफॉल डेप्थ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये लो जी मैंने यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ बना दिया, ये इसकी पर्टिकुलर शेप आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास बारिश जो है डी आवर की हो रखी है, और इसकी जो मेरे पास रन ऑफ डेप्थ आएगी या एक्सेस रेनफॉल डेप्थ आएगी वो कितनी होगी, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये होगी सिंगल यूनिट होगी, ठीक है। तो अब ये जो हाइड्रोग्राफ है मेरे पास, ये कैसा है, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ टाइप का है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो रेनफॉल की ड्यूरेशन है जो अपन डी से डिनोट कर रहे हैं, कितनी भी हो सकती है, 2, 4, 5, 10 घंटे कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो डेप्थ है मेरे पास रन ऑफ डेप्थ है वो यूनिट रहेगी। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ऐसा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जिसकी रेनफॉल एक्सेस डेप्थ यूनिट होती है, एक होती है, उसे क्या बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कम से कम 5 बार जाके, 5-6 बार अलग अलग जेईएन एएन के क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये इतना दो दे लेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट गलत होना नहीं चाहिए। ये होता है अपना यूनिट हाइड्रोग्राफ, बनाए इसको एक बार। बना लिया, अब छोटी सी हेडिंग डालें, छोटी सी हेडिंग डालें, प्रोसीजर टू डेराइव यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ। क्लियर, ध्यान से देखें, मुझे क्या बनाना है, एक फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाता हूँ, ये मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर फ्लड हाइड्रोग्राफ है। फ्लड हाइड्रोग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे बेस फ्लो चलता है मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ के केस में। यहाँ पे मेरे पास जो फ्लड हाइड्रोग्राफ में ड्यूरेशन है रेनफॉल की, वो मैंने मानी कैपिटल डी है, और इसकी जो रेनफॉल इंटेंसिटी सॉरी एक्सेस रन ऑफ डेप्थ है वो मैं नहीं मैंने कि एन सेंटीमीटर है, मान सकता हूँ ऐसा, जस्ट मैंने सपोज किए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टाइम चल रहा है, तो इसे क्या बोलूँगा मैं, डी आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ एन सेंटीमीटर डेप्थ, ये इसका पर्टिकुलर नोटेशन हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये क्या है, बेस फ्लो है, पता है ना, ये मेरे पास बेस फ्लो है। अगर मैं इस बेस फ्लो को हटा दूंगा तो मेरे पास जो बचा कुचा बचेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा। तो मैं इसे क्या बना देता हूँ, एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना देता हूँ। ये मैंने बनाया इससे फ्लड हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से बेस फ्लो हटा दिया, तो मेरे पास ये वाला जो पार्ट बचा ये क्या हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो गया। इसकी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो रेनफॉल की ड्यूरेशन है और एक्सेस रेनफॉल डेप्थ है वो चेंज नहीं होती है। ये अगर यहाँ पे कैपिटल डी थी तो यहाँ पे भी कैपिटल डी रहेगी, और इसकी डेप्थ यहाँ पे एन सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी, एन सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास डी आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ एन सेंटीमीटर डेप्थ। अब देखिए, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। तो यहां से तो मैंने क्या किया था, ध्यान से देख लें, यहां से तो मैंने किया था, क्या बोल सकते हैं इसके लिए वर्ड एक पर्टिकुलर, देखो इंग्लिश मेरी हल्की है, रिमूव बेस फ्लो, मतलब मैंने यहां से बेस फ्लो हटा दिया था तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई थी। क्लियर, अब मेरे पास मुद्दा आ गया, ध्यान से अब समझे समझने वाली बात। अब मेरे पास डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, मुझे इससे बनाना है यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब मुझे काम एक ही करना है, मुझे काम क्या, यहाँ पे क्या करना है कि ये जो n सेंटीमीटर डेप्थ है यहाँ पे, इसको 1 सेंटीमीटर डेप्थ में कन्वर्ट करना है, मतलब यूनिट डेप्थ में मुझे कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं कैसे करूँ, बात ये आती है। अब देखो एक बात समझो आप, ये मेरे पास एक कोई कैचमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर निकल रही है इससे, क्लियर, यहाँ पे मेरा आउटलेट है जहाँ पे ये मैं कह रहा सारा की सारा काम मेजर कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ से बहुत सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही होंगी, यहाँ पे जाके मैंने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया। अब ध्यान से देखें आप, मेरे पास
एक सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिस्चार्ज आएगा, मैंने मान लिया मेरे पास 50 क्यूमेक डिस्चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे आउटलेट पे एक सेंटीमीटर डेप्थ से मेरे पास क्या आया, 50 क्यूमेक डिस्चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास बारिश हो रही थी कैचमेंट में, मैं इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास बारिश थी मैंने उसको कर दिया 2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिस्चार्ज निकल रहा था इसका, वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डबल बारिश हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्चार्ज हो गया 100 क्यूमेक, ठीक है। इसको मैंने 3 सेंटीमीटर कर दिया तो मेरे पास डिस्चार्ज हो गया इसका तिगुना, मतलब 3 × 50, यही हो गया, यही बात है ना। ये 100 कितना था मेरे पास, 2 × 50। मैंने अगर बारिश को यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते n सेंटीमीटर कर दिया तो मेरे पास जो डिस्चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, n × 50, यही बात है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है n सेंटीमीटर बारिश है तो मेरे पास डिस्चार्ज कितना है, कितना है, n × 50 सेंटीमीटर क्यूमेक मेरे पास डिस्चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से। मुझे n सेंटीमीटर से कहाँ पे ले जाना है, 1 सेंटीमीटर पे ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस डिस्चार्ज को n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर वाला डिस्चार्ज आ जाएगा, मेरे पास 50 क्यूमेक आ जाएगा ना। मेरे पास n सेंटीमीटर रेनफॉल थी, उसको मैंने सिंगल में कन्वर्ट किया तो क्या किया, जो डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट थे उनको n से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए डिस्चार्ज आ गया। सेम काम मुझे यहाँ पे करना है, मुझे क्या करना है, n सेंटीमीटर का फ्लड हाइड्रोग्राफ है, सॉरी DRH है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट थे उनको n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर के ऑर्डिनेट आ जाएंगे, और 1 सेंटीमीटर का जो हाइड्रोग्राफ होगा मेरा क्या होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। तो मैं यहाँ पे क्या प्रोसीजर करूंगा, डिवाइड ऑर्डिनेट ऑफ DRH बाय n, ठीक है। अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर के आ जाएंगे, और वो जो हाइड्रोग्राफ होगा मेरा क्या होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। तो बना देते हैं, ये लो जी मेरे पास क्या बन जाएगा, लास्ट में यूनिट हाइड्रोग्राफ बन जाएगा, ये लो, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ, ये यहाँ पे ड्यूरेशन डी आवर, और यहाँ पे जो मेरे पास डेप्थ है कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इधर क्यू चल रहा है, इधर मेरे पास टाइम चल रहा है। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डेप्थ हो गई तो ये क्या है मेरे पास, डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। बात समझ में आ गई होगी आई होप। इसमें जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, ये वाली थी, अगर n सेंटीमीटर का DRH है उसे यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना है तो DRH के ऑर्डिनेट को n से डिवाइड कर दूंगा। रीजन मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया, क्लियर है। ये काम अपन पहले से जानते थे कि बेस फ्लो को कैसे हटाते हैं, ये बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहो तो आप इसको हटा दो, ये जस्ट समझने के लिए था। ठीक है, इसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आती है जो कि एल के शेरमन ने दी थी, ठीक है, उसे एल के शेरमन थ्योरी भी बोलते हैं, क्लियर। उससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा अपना, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है इस वीडियो का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, इसको बना लें।